क्योंकि एक पार्टी के नेता को दूसरी पार्टी के नेता ने स्कूल उद्घाटन के लिए बुलाया है। नहीं, आपने सुना कभी ऐसी घटना घटी? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, वो हरियाणा पहुंचे हैं, वहां पर विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया हैं, जो इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, और महाराष्ट्र पहुंचे मनीष सिसोदिया एनसीपी नेता और जामखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित पवार की तारीफ कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या किया है रोहित पवार ने जो मनीष सिसोदिया उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, और उनके आमंत्रण पर मनीष सिसोदिया महाराष्ट्र पहुंचकर उनकी विधानसभा में एक स्कूल का उद्घाटन करते हुए भी नजर आए। ये जानकारी मनीष सिसोदिया के सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। मनीष सिसोदिया ने अपने सोशल मीडिया पर किस तरीके से रोहित पवार की तारीफ की है, बदलती हुई राजनीति की बात कही है, और बिना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए निशाना साधा है, वो आपको बताते हैं। तो मनीष सिसोदिया ने, आपको बता दें कि अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ये नए भारत की राजनीति है, एक पार्टी के अच्छे काम से सीख कर दूसरी पार्टी भी अच्छे स्कूल बनवाती है और फिर मिलकर स्कूल का उद्घाटन करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के अच्छे स्कूल देखकर एनसीपी नेता विधायक रोहित पवार ने भी अपनी विधानसभा में शानदार स्कूल बनवाया और उसके लोकार्पण के अवसर पर मुझे भी बुलाया। ये भारत के भविष्य को संवारने का काम है, नए भारत को यही राजनीति चाहिए, एक दूसरे के काम से प्रेरणा लेकर अच्छे काम करने की। पार्टियां तोड़ने, परिवार तोड़ने की राजनीति भारत के भविष्य को खराब करने की राजनीति है। कि मुझे दिल्ली से एक स्कूल के उद्घाटन के लिए, एक शिलान्यास के लिए, भूमि पूजन के लिए बुलाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। आज के दिन यहां पत्रकार महोदय बैठे हैं, आप समझेंगे इस चीज को, जो लोग राजनीति को समझते हैं, सामाजिक जीवन को समझते हैं, वो समझेंगे इस चीज को, और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे थोड़ा और अच्छे से समझेंगे इस चीज को जो मैं कह रहा हूं। याद रखिएगा लेकिन बच्चों, कि भारत के राजनीति में, मेरे याद में, मैं भी पत्रकार रहा हूं, भारत की राजनीति में मेरी याद में ऐसी घटना नहीं घटी जैसी आज यहां पर घट रही है वानखेड़ में। क्यों? क्योंकि एक पार्टी के नेता को दूसरी पार्टी के नेता ने स्कूल उद्घाटन के लिए बुलाया है। नहीं, आपने सुना कभी ऐसी घटना घटी? एक पार्टी का नेता बड़े पैसे वाला हो जाए, दूसरी पार्टी का नेता भी बड़े पैसे वाला हो जाए, तो दोनों अपने बच्चों के संबंध जोड़ देते हैं, उनकी शादियों में गए हो गए आप, है ना? दो पार्टी के अलग अलग नेता होंगे, एमएलए अलग से, और बैक रूम में ऊपर तो कहेंगे जी हम बड़े ईमानदार हैं, पीछे पीछे पैसा कमा के दोनों पार्टी के नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता, कोई बड़ा रिजॉर्ट खोलेंगे, कोई बड़ी फैक्ट्री डालेंगे, कोई बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनाएंगे, उसके उद्घाटन में गए हो गए आप। लेकिन एक पार्टी के नेता ने स्कूल बनाया, दूसरी पार्टी के नेता को दिल्ली से बुलाया, आइए मिलकर उद्घाटन करते हैं। यह सुखद घटना आज देश में पहली बार मैं घटते हुए देख रहा हूं, इसीलिए मैं कहूंगा कि यह नए भारत की राजनीति है, यह भविष्य के भारत की राजनीति है। इस स्कूल के उद्घाटन से पहले भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट मनीष सिसोदिया की ओर से लिखी गई थी, और उस पोस्ट में रोहित पवार को लेकर मनीष सिसोदिया ने बताया था कि वो दिल्ली आए थे, दिल्ली में आकर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली के अंदर जो स्कूल बने हैं, उन स्कूलों को उन्होंने देखा था और उनसे वो प्रभावित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने विधानसभा में एक नए स्कूल का निर्माण किया और उस स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए मनीष सिसोदिया को आमंत्रित किया। उस पोस्ट में मनीष सिसोदिया ने काफी कुछ लिखा है, वो आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि आज महाराष्ट्र की कर्जत जामखेड़ विधानसभा में एक नए स्कूल का उद्घाटन करूंगा। एनसीपी विधायक रोहित पवार जी ने ये शानदार स्कूल अपने विधानसभा में बनवाया है और इसके उद्घाटन के लिए मुझे निमंत्रित किया है। रोहित पवार जी 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा बनवाए गए स्कूल देखने दिल्ली आए थे और उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी विधानसभा में इस नए स्कूल का निर्माण करवाया है। मेरे लिए भी ये देखना जानना दिलचस्प होगा कि जिस समय महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ो परिवार तोड़ो की राजनीति सत्ता में है और वर्तमान सत्ता की स्कूल बनवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसे में विपक्षी पार्टी का एक युवा विधायक अपने क्षेत्र के लोगों के लिए शानदार स्कूल कैसे बनाता है।
ये नए भारत की राजनीति है। इसमें राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के अच्छे काम से सीखती हैं। स्कूल बनाने की राजनीति से बच्चों का भविष्य बनेगा और नए भारत का निर्माण होगा। पार्टी तोड़ने, परिवार तोड़ने की राजनीति से देश का, राज्य का, लोगों का, बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो तो हम महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं। फिलहाल तो कर्जत जामखेड़ विधानसभा में बना ये नया स्कूल देखिए और इसमें पढ़कर निकलने वाले बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मनीष सिसोदिया ने बताया कि रोहित पवार जो कि एनसीपी नेता हैं, विधायक हैं, वो दरअसल 4 साल पहले दिल्ली आए थे और उन्होंने केजरीवाल सरकार की जो स्कूल है उनको देखा और उससे वो प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने विधानसभा में भी एक स्कूल बनवाया और उसी के इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को निमंत्रित किया था और मनीष सिसोदिया पहुंचे महाराष्ट्र और वहां जाकर उन्होंने स्कूल का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने भी पहुंचे, कई और धार्मिक स्थल भी मनीष सिसोदिया पहुंचे और जब मनीष सिसोदिया ने इनॉग्रेशन किया स्कूल का, वो तस्वीरें भी सामने आई और मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर जहां राजनीति के नए डेफिनेशन के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि देश में जो है वो एक दूसरे से सीखने की राजनीति जो है वो देश की नई राजनीति है और तोड़ने वाली राजनीति, पार्टियां तोड़ने वाली राजनीति, परिवार तोड़ने वाली राजनीति के जरिए मनीष सिसोदिया का इशारा किधर है ये आप समझ सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।